हेलो दोस्तों, आज फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में। तो दोस्तों, आप ये देख सकते हो, पियाजो कंपनी की गाड़ी है जो कि BS4 है। इसमें दिक्कत ये है दोस्तों कि बहुत ही लंबा राउंड लेने के बाद ये गाड़ी स्टार्ट हो रही है। ये देख सकते हो, जैसे कि ये पियाजो कंपनी की गाड़ी है, ये स्टार्टिंग प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा ले रही है। जैसे ही सेल्फ ले रहे हैं तो लंबा सेल्फ लेने के बावजूद में भी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। ये देख सकते हो आप, ये काफ़ी ज़्यादा लंबा सेल्फ ले रही, उसके बावजूद में भी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। तो आज की वीडियो में यही बताऊंगा कि अगर आपकी गाड़ी लंबा सेल्फ लेती है तो स्टार्टिंग प्रॉब्लम क्या हो सकती है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये इंजन स्टार्ट नहीं हो पा रहा, ये देख सकते हो आप। काफ़ी ज़्यादा लंबा राउंड ले रही है और स्टार्ट इंजन नहीं हो पा रहा। तो आखिर किस वजह से ऐसी क्या दिक्कत हुई होगी, आज मैं वही इस वीडियो में मैं बताऊंगा। बहुत ही छोटी वजह हो सकती है, स्टेप बाय स्टेप आपको चेक करना पड़ेगा। तो ये देख सकते हो, काफ़ी ज़्यादा मैंने सेल्फ लगाया, उसके बावजूद भी गाड़ी ये स्टार्ट नहीं हुई। तो दोस्तों, जैसे कि आपने देखा, इस गाड़ी में क्या था, स्टार्टिंग लेट से हो रही है, ज़रूरत से ज़्यादा लंबा राउंड लेने के बाद भी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। तो आखिर इसमें ऐसा क्या हुआ और किस वजह से ऐसी दिक्कत हुई, आज मैं वो सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। बहुत ही छोटी वजह होती है और स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे तो आपको फॉल्ट का पता चल जाएगा। तो बहुत ही छोटी वजह है, तो इसी में चलो मैं आपको दिखाऊँगा कि आखिर ऐसा क्या है और क्यों ऐसा लंबा सेल्फ लेने के बाद भी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। कई बार अगर लंबा सेल्फ लेता है तो सेल्फ भी चल जाता है, उसके बावजूद भी इंजन स्टार्ट नहीं हो रहा, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर मेरे चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ऐसे ही रोजाना नई नई टॉपिक की वीडियो के। तो दोस्तों, एक लाइक तो बनता है, चलो मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये देख सकते हो, ये गाड़ी है, जैसे कि आपने देखा था कि सेल्फ, कई बार हमने सेल्फ मारा है उसके बावजूद भी गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हमें इसका चेक करना है, तो एयर फिल्टर, अगर आपकी भी गाड़ी में ऐसी समस्या आती है तो सबसे पहले आप एयर फिल्टर चेक करिए, एयर फिल्टर क्या कंडीशन में। अगर एयर फिल्टर भी ख़राब, चोक होने की वजह से भी ऐसी स्टार्टिंग प्रॉब्लम आती है, तो एयर फिल्टर आपका सही है, देख सकते हो ये ओके कंडीशन है। फिर हम एक बार इसका टैपिट ओपन करने के बाद भी इसको चेक करेंगे कि हमारी टैपिट क्या कंडीशन, क्या कैसा है। तो इसको सबसे पहले तो हमें टैपिट कवर को खोलना पड़ेगा, खोलने के बाद ये दोनों स्टेप चेक करेंगे कि टैपिट हमारा कैसा है, लूज़ है, टाइट है, क्या है। उसके बाद हम डीजल चेक करेंगे कि डीजल गाड़ी, डीजल जो हमारा फीड पम्प काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो सबसे पहले देख सकते हैं, मैंने टैपिट को ओपन कर लिया है, टैपिट कवर को। अब ये देख सकते हो टैपिट कितने ज़्यादा लूज़ है, आपको मैं दिखाऊं, काफ़ी ज़्यादा गर्म गाड़ी है इसलिए थोड़ा कपड़ा लगा के चेक करना पड़ रहा है। तो इसके लिए सबसे पहले तो हमें पुल्ली को टॉप पोजीशन पे लेना है, ये देख सकते हो कुछ इस प्रकार से, हमें धीरे धीरे घुमा के इसे फुल टॉप पोजीशन पे लेना है, कुछ इस प्रकार से। आप देख सकते हो ये इंजन को मैंने घुमाया, फ्लाई व्हील को, ये हमारी ये बिंदु को हमें फुल टॉप पे लेना है, ये देख सकते हो। और कभी भी आप टैपिट भी सेट करते हो तो टैपिट भी सेट करने का सबसे आसान तरीका होता है, ये पुल्ली को फुल इंजन को टॉप पोजीशन में लीजिए, उसके बाद आप टैपिट सेट करिए, आपका टैपिट कभी गलत नहीं होगा, इस चीज़ की गारंटी है। तो आपने देखा मैंने पुल्ली को फुल टॉप पोजीशन में ले लिया, आप टैपिट हम चेक करते हैं कि क्या कंडीशन है। काफ़ी ज़्यादा लूज ही है टैपिट, आपको सुनाई देगा, ये देख सकते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा लूज है, दोनों टैपिट बहुत ज़्यादा लूज हैं। तो इसको सबसे पहले तो हमें टैपिट को ही चेक सेट करना पड़ेगा, ये देख सकते हो ये टैपिट हमारा काफ़ी ज़्यादा लूज है, एग्जास्ट और इनलेट दोनों वाल्व हमारे लूज है, ये देख सकते हो ये इसको भी देखिए आप ये। तो चलिए मैं टैपिट इसको सेट करता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ, ये देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा इसको टैपिट हमें सेटिंग करने पड़ेंगे। तो आपको मैं बता दूं, अगर आप लोग फिलर गेस, आप अगर पहली बार सेट करते हो तो फिलर गेस से मदद से करें तो आपका टैपिट परफेक्ट आएगा। अगर आप कई बार टैपिट सेट कर चुके हैं, एक अंदाज से भी आप टैपिट सेट कर सकते हैं, जैसे कि टैपिट सेट करते समय इनलेट वाल्व हमें
10 mm से लेके 11 mm के बीच में हमें टैपिट सेट करना है। जैसे कि ये आप देख सकते हो इनलेट वाल्व हम सेट कर रहे हैं, जिसमें से कि इसे अगर फिलर गेज की मदद से सेट करते हो तो 10 mm से 11 mm के बीच में होना चाहिए। तो ये देख सकते हो मैंने इसको सेट कर लिया, इसको टाइट कर देंगे। अब डी का जो आता है, डी का भी हमें सबसे पहले ऊपर लेना है, उसके बाद ही हमें एग्जास्ट का सेट करना है। तो ये देख सकते हो एग्जास्ट वाल्व, एग्जास्ट वाल्व का भी हमें 11 mm से लेके 12 mm के बीच में हमें रखना है। तो ये देख सकते हो कुछ इस प्रकार से आपको टैपिट सेट करना है। और ये टैपिट सेट अगर आप करते हो, अगर आप फिलर गेज की मदद से इस नंबर से सेट करते हो 11 mm से 12 mm के बीच में, तो आपका इनलेट जो एग्जास्ट वाल्व है वो आपका प्रॉपर तरीके से काम करेगा और परफेक्ट काम करेगा, जैसे कि आप देख सकते हो। फिर हमें डी लीवर का भी टाइट करना है। डी लीवर का कितना टाइट करना है वो आपको डी लीवर उचा के चेक करना है। आपको इतना स्क्रू टाइट करना है कि हमारे डी लीवर में हल्का अटैचमेंट हो, हल्का। अगर हमारा डी लीवर पूरा नीचे की तरफ है तो वो उसमें टच ना हो। ये देख सकते हो ये जब मैं उचा रहा हूँ जब ये दब रहा है, तो ये देख सकते हो कि मैंने इसे अच्छी तरीके से टाइट कर लेंगे कि हमारे नट जो है कोई भी खुले नहीं, क्योंकि इंजन चलता है तो वाइब्रेट ज़्यादा करते हैं तो बोल्ट खुल सकते हैं, नट स्क्रू खुल जाते हैं। तो इसे अच्छी तरीके से टाइट करना है। और वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। मैं इंजन ये टैपिट सेट करने के बाद, आपने देखा था कि स्टार्टिंग बहुत ज़्यादा लंबा राउंड ले रही थी, और अब टैपिट सेट करने के बाद अब कैसा राउंड कितना ले रही है और कैसे स्टार्ट हो रही है। तो दोस्तों एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो करना बनता है। तो ये देख सकते हो मैंने सेट कर लिया, और ये देखो आप इंजन देख लो, एक सेल्फ में इंजन स्टार्ट हो गया, एक सेल्फ में। तो देख लिया आपने कि इसमें सिर्फ और सिर्फ टैपिट सेटिंग का फॉल्ट था, जिसकी वजह से इंजन स्टार्ट नहीं हो पा रहा था, और बहुत ही छोटी वजह थी और स्टार्टिंग दिक्कत आ रही थी। चलो फिर से इंजन स्टार्ट करते हैं। ये देख सकते हो आप, फिर से मैंने इंजन स्टार्ट किया, एक बार फिर से इंजन हमारा परफेक्ट तरीके से स्टार्ट हो रहा है। तो दोस्तों अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। ऐसे ही रोजाना नई नई टॉपिक वीडियो के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक